हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम देखेंगे रिवर्स स्ट्रिंग को कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना कैसे, तो यहाँ पे दो मेथड है। एक स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शन यूज़ करके, ठीक है, उसका एक स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल है उसका मैं फंक्शन यूज़ करके डायरेक्ट रिवर्स कर सकता हूँ, तो वो प्रोग्राम देखेंगे। और उसका विदाउट यूज़ करे कैसे प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, मतलब फंक्शन का यूज़ करे बिना कैसे हम उसको रिवर्स करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल होता है उसका फंक्शन का यूज़ करके कैसे रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग को, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ये किया मैंने। अब उसके बाद वॉइड मेन मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है। इंट इंट का ज़रूरत नहीं है, देख लेते इंट का ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करता हूँ, कैरेक्टर एरे ए ऑफ 100 डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अभी स्ट्रिंग में इनपुट ले लेता हूँ, प्रिंट एफ इंटर स्ट्रिंग, इंटर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इंटर कराना है यहाँ पे, तो गेट्स फंक्शन से इंटर कराते गेट्स ए। ठीक है, अभी ए के अंदर स्ट्रिंग मेरा चला गया, समझ लो हेलो मैंने लिया अगर, तो हेलो चला गया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए मेरे पास स्ट्रिंग रिवर्स करके फंक्शन है strrev, strrev, सारे अक्षर यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं यहाँ पे सब स्मॉल में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए को रिवर्स करना है मुझे। ठीक है, रिवर्स हो गया ये फंक्शन डायरेक्ट करते हुए। ठीक है, अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ परसेंटेज एस, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस लिखते कॉमा ए में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम अपना क्लोज करता हूँ, गेट सी एच, और यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज किया मैंने। तो प्रिंट एफ, अगर ए को स्ट्रिंग को मुझे प्रिंट करना है तो परसेंट एस लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर कैरेक्टर से प्रिंट करना है तो परसेंट सी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे ए में गया हेलो, तो अभी स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, फिर उसको प्रिंट करना है ए को, तो अब रिवर्स में क्या प्रिंट होगा, ओ एल एल ई एच, ऐसा प्रिंट होगा वो आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शन मैंने यूज़ करके मैंने किया। अब हम इसके बाद देखते हैं विदाउट यूज़ करें, मतलब इसको यूज़ नहीं करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन हम, और इसको डायरेक्ट कैसा सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शंस। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो कैरेक्टर अरे यहाँ पे भी डिक्लेयर होगा, सेम डिक्लेयर किया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे एक एल ले लेता हूँ, इंट एल, लेंथ कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग का, लेंथ कितना है वो भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, उस कर दिया एल इक्वल टू ले लिया। ठीक है, अब प्रिंट एफ इंटर स्ट्रिंग, इंटर स्ट्रिंग कैसे करना है, गेट्स एस गेट्स ए, ए में जो भी था हेलो चला गया समझ लो, लेकिन हेलो का लेंथ कितना है, तो लेंथ कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं strlen, लेकिन वो तो करना नहीं हमें। ठीक है, तो लेंथ कैलकुलेट हमने पिछले वीडियो में किया था कि कैसे स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, वाइल वाइल ए ऑफ एल, जब तक मेरा ए ऑफ एल नॉट इक्वल टू नल नहीं आ जाता है, तब तक मुझे एल का वैल्यू बढ़ाना है, एल का वैल्यू प्लस प्लस करना है। ठीक है, एल का वैल्यू प्लस प्लस करना है, वही फाइनल में मेरा एल में आंसर आ जाएगा कि एल में कितना लेंथ है टोटल। ठीक है, ए का लेंथ जितना है वो एल में आ जाएगा, एल का वैल्यू इनिशियल में मुझे इनिशियलाइज करना होगा 0। ठीक है, एल का वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 शुरू में, तो ए ऑफ 0 में क्या है, एच है, तो एच नॉट इक्वल टू नल है, हाँ है, तो अंदर आएगा, एल का वैल्यू 1 हुआ। ऐसे ही करते करते बार बार करते करते वो लास्ट में इसमें नल वैल्यू भी होता है। ठीक है, तो जब तक नल वैल्यू के पास पहुंचेगा नहीं तब तक वो एल का वैल्यू बढ़ाता जाएगा, तो एल का वैल्यू बढ़ाएगा तो 1 2 3 4 5, तो लास्ट में एल का वैल्यू क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक है, तो एल का वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरा 5। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, एल का वैल्यू तो मुझे मिल गया। ठीक है, एल का वैल्यू मिल गया, अब मुझे यहाँ पे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना है तो रिवर्स करने का दो तरीका होता है, समझ लो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, एच ई एल एल ओ और लास्ट में नल है, समझ लो इसको काउंट नहीं करते हम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इसको और इसको इंटर एक्सचेंज करना है रिवर्स करने के लिए, और इसको इसको इंटर एक्सचेंज करना है, और इसको अपने में इंटर एक्सचेंज करना है, तो इसको इसको इंटर एक्सचेंज करना है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा टेम्प, तो क्या करूँगा मैं, इसका वैल्यू पहले इसमें डाल दूंगा,
और इसको उठा के फिर इसमें डाल दूंगा, फिर जो भी टेम में रहेगा उसको उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करके हम यहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप लगेगा। ठीक है, तो फॉर लूप में फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एल माइनस वन डिवाइड बाय टू। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस लिखा है यहाँ पे मैं, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ फॉर लूप। तो आपको बता दो क्या है ये, आई का वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हम। ठीक है, कॉमा आई इंट, क्योंकि आई ले लिया यहाँ पे, आए आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एल माइनस वन बाय टू। एल का वैल्यू कितना था मेरा, पाँच। ठीक है, पाँच माइनस वन फोर, फोर बाय टू इज टू आएगा आंसर। तो मेरा यहाँ पे आई का वैल्यू टू तक जाएगा, मतलब मेरा कितने बार लूप चलने वाला है, जीरो वन टू, तीन बार लूप चलेगा। क्यों तीन बार लूप चलेगा आपको बताया था मैंने, देखो यहाँ पे हेलो एच ई डबल एल ओ, एक बार इसको चेंज करने के लिए लूप चलेगा, एक बार इसको चेंज करने के लिए लूप चलेगा, एक बार इसको चेंज करने के लिए लूप चलेगा, इसलिए मैं एल माइनस वन बाय टू लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे पाँच बार लूप नहीं चलाना है, मुझे तीन बार ही लूप चलाना है। ठीक है, तो इसलिए मुझे एल माइनस वन बाय टू लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लूप जब चलेगा मेरा ये वाला, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो टेम्प में जाएगा, जो फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, ए ऑफ जीरो में जो भी वैल्यू रहेगा वो टेम्प में मैं पुट कर देता हूँ। और यहाँ पे टेम्प वेरिएबल भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे आई डिक्लेयर कर दिया और टेम्प भी डिक्लेयर कर देता हूँ, और टेम्प में मैं जीरो रख देता हूँ इनिशियल में, समझ लो कि कुछ वो ना आए, गार्बेज वैल्यू ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट वैल्यू था वो टेम्प में डाल दिया, और जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या होता है, एन माइनस आई माइनस वन, एन तो यहाँ पे नहीं है हमारा, एल है। ठीक है, एल लिए हमने, तो लास्ट वैल्यू का भी कैलकुलेट करना, तो उसके लिए एल माइनस आई माइनस वन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू यहाँ से मिलेगा, लास्ट वैल्यू को उठा के हम फर्स्ट वैल्यू में डालेंगे। ठीक है, लास्ट वैल्यू को उठा के हमने फर्स्ट वैल्यू में डाल दिए, और फर्स्ट वैल्यू को टेम्प में डाल दिए। तो अब टेम्प को क्या करना है हमें, टेम्प को उठा के हमें लास्ट वैल्यू में डालना है। ठीक है, ए ऑफ एल माइनस आई माइनस वन। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को टेम्प में रखा और फिर लास्ट वैल्यू को फर्स्ट में डाला और टेम्प को उठा के लास्ट में डाल दिया। इससे क्या हो गया, इंटर एक्सचेंज हो गया फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से। ठीक है, तो ये तीन बार लूप चलने वाला है, एक बार दो बार तीन बार, क्योंकि एल पाँच था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वैल्यू इंटर एक्सचेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ए रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद हमें सिंपली प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए, और ए को सिंपली प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा रिवर्स, हेलो करके है तो ओ एल, वैसा ऐसा समथिंग उल्टा, समझ लो हेलो है ऐसा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ओ एल एल ई एच, ये प्रिंट होने वाला है मेरा। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम में यहाँ पे क्लोज किया, गेस सी एच, यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा प्रोग्राम, रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन एंड यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो दोनों मैंने कर दिया, और ये बोर्ड में बहुत सारा, बहुत बार पूछा गया है, एमपी भी क्वेश्चन है।